नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड डिविनिटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, 10 स्मार्ट वेज टू कट मंथली एक्सपेंसेस, मतलब कैसे आप स्मार्टली अपने महीने के खर्चे कम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइफ एंड डिविनिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यहां आपको मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ पैसे बचाने के तरीके भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और जरूरी स्टेप है बजटिंग। यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह एक सरल प्रक्रिया है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपने पैसों का हिसाब रखना है। यह जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है कि आप कितना कमाते हैं और कहां कहां खर्च करते हैं। यह आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। आप एक नोटबुक, एक एक्सेल शीट या कोई मोबाइल ऐप, जो भी आपको आसान लगे, यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप फालतू में खर्च कर रहे हैं। यह आपको अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करने में मदद करेगा। पिछली वीडियो की तरह आपको समझाने के लिए मैं सेम एग्जांपल्स का सहारा लूंगी। मान लीजिए कि आप रोज बाहर से चाय या कॉफी पीते हैं, जिसके लिए आप 50 से 100 रुपया डेली पे करते हैं। आपको यह एक छोटा खर्च लग सकता है, लेकिन महीने के 1500 से 3000 रुपए सिर्फ चाय या कॉफी में चले जाते हैं। यह एक बड़ा खर्च बन सकता है। सोचिए, अगर आप ये पैसे बचा लें तो आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। आप इन्हें बचत में डाल सकते हैं या किसी और महत्वपूर्ण चीज पर खर्च कर सकते हैं। बजट बनाना आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करेगा। आजकल हम बहुत सारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शंस हमें एंटरटेनमेंट, फिटनेस और म्यूजिक जैसी सुविधाएं देते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप्स वगैरह वगैरह। ये सभी सर्विसेज हमारे जीवन को आसान और मनोरंजक बनाते हैं। पर क्या हम इन सब का यूज करते हैं? ज्यादातर नहीं। कई बार हम इन्हें सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हमने कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस लिए हैं और पैसे कटते रहते हैं। ये अननोटिस चार्जेस हमारे बजट पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में अपने सब्सक्रिप्शंस चेक कर लीजिए। ये एक अच्छी आदत है जो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल में मदद करेगी। देखिए कि आप कौन से सब्सक्रिप्शंस रेगुलरली यूज करते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनका आप बिल्कुल यूज नहीं करते। ये एनालिसिस आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जो आप यूज नहीं करते उन्हें तुरंत कैंसिल कर दीजिए। इससे आप अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं। ये छोटी सी बात से आपके महीने के खर्चों में बहुत फर्क पड़ सकता है। आप देखेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में सुधार हो रहा है। मान लीजिए आपके 3-4 ऐसे सब्सक्रिप्शंस हैं जिनका आप यूज नहीं करते और हर एक का मंथली चार्ज 500 रुपए है। ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, तो आप महीने के 1500 से 2000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। ये सेविंग्स आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स में मदद कर सकती हैं। ग्रोसरी शॉपिंग हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहां भी आप बहुत पैसे बचा सकते हैं? ज्यादातर लोग बिना प्लान के ग्रोसरी शॉपिंग चले जाते हैं और फिर वहां जाकर जो भी चीज अच्छी लगती है वो खरीद लेते हैं। इससे होता यह है कि हम बहुत सी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती और फिर वो चीजें घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं। इसलिए हमेशा एक ग्रोसरी लिस्ट बनाकर शॉपिंग करने जाइए। लिस्ट में वही चीजें लिखिए जिनकी आपको सच में जरूरत है और शॉपिंग करते समय उसी लिस्ट को फॉलो करिए। इसके अलावा डिस्काउंट ऑफर्स और डील्स पर भी ध्यान दीजिए। कई बार अच्छे डील्स मिल जाते हैं जिनसे आप काफी पैसे बचा सकते हैं। हम सबके घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते,
पुराने कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर वगैरह, ये चीजें बस घर में जगह घेरती रहती हैं। पर क्या आपको पता है कि आप इन चीजों से भी पैसे कमा सकते हैं? आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी पुरानी चीजें बेच सकते हैं। OLX, क्वाइकियार, फेसबुक मार्केटप्लेस, ये कुछ फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपने अनयूज्ड आइटम्स बेच सकते हैं। इससे आपका घर भी साफ होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। सोचिए, अगर आप अपने घर की 10 अनयूज्ड चीजें बेचकर 5,000 रुपए भी कमा लेते हैं तो ये भी अच्छी बचत है। दोस्तों, पैसे का महत्व उतना ही है जितना मन की शांति का। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहता है। जैसे आप मेडिटेशन और योग से अपने मन को शांत रखते हैं, वैसे ही अपने पैसों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यह दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अपने पैसों का सही प्रबंधन करके आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। लाइफ एंड डिविनिटी चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशन और मेडिटेशन की ही बात नहीं करते बल्कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल समय बिता सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक ऐसी लाइफ जहां आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हों और मेंटली भी पीसफुल। यह संतुलन ही सच्ची सफलता है। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं तो इन स्मार्ट तरीकों को अपनाइए। अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करें और अपने मंथली एक्सपेंसेस कम करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करिए। यह छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। यह सेविंग्स आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अपने सवाल या एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, लाइफ एंड डिविनिटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें, ताकि हम मिलकर एक बेहतर लाइफ की ओर बढ़ सकें, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली दोनों तरह से। साथ मिलकर हम एक मजबूत और खुशहाल कम्युनिटी बना सकते हैं।